हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रबड़ के बारे में। तो रबड़ आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक रबड़। तो एक एक करके हम समझते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। एक एक करके हम सभी का एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलीमर का, रबड़। रबर एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज एज अ मिल्की सैप इज कॉल्ड लेटेक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? लेटेक्स। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नेचुरल रबर। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नेचुरल रबर। एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है? नेचुरल रबर हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वेरी फ्लेक्सिबल। So we cannot use in daily life. हम इसको daily life में use नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए हम इसको किस में use नहीं कर सकते बच्चों? daily life में use नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आया। तो actually में रबड़ को क्या करेंगे बच्चों? जब हम force apply करेंगे तो इसको stretch होगा, और जैसे ही हम छोड़ेंगे वो वैसे ही क्या आ जाएगा? अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है? It is having a tendency to stretch, sorry, to stretch when applying force, when applying force, force and deformed, and deformed also in its original shape, original shape when removing of force। जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, बस इतना सा बात है, और इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, ठीक है? ये आपके इस तरीके से, ठीक है? और ये आपका स्टिकी मास होता है। रबड़ इज स्टिकी मास, मतलब ये आपका चिपचिपा होता है, स्टिकी मास होता है, ठीक है? आप समझना बच्चों, एक्चुअली में रबड़ को हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको लेटेक्स मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? लेटेक्स मिलेगा। लेटेक्स को हम क्या करेंगे? कोगुलेट करेंगे, ठीक है? कोगुलेशन, जो कि आप सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे, हम इसको क्या करेंगे? कोगुलेशन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे बच्चों? कोगुलेशन करेंगे। जैसे ही हम इसका कोगुलेशन करेंगे, कोगुलेशन हम किस में करेंगे बच्चों? कोगुलेशन इन एसिटिक एसिड या फिर आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है? फॉर्मिक एसिड, अगर मैंने इसमें कोगुलेशन कर दिया इसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आपका नेचुरल रबर आपका ऑब्टेन हो जाएगा, नेचुरल रबर आपका ऑब्टेन हो जाएगा। पहली बात तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो आपका नेचुरल रबर है, इसकी एक खास बात है, नेचुरल रबर आपका डाइल्यूट एसिड, मतलब H2SO4, इन सब में क्या होता है बच्चों? ये इनसॉल्युबल होता है,
इनसॉल्युबल होगा, बट सॉल्युबल इन साइक्लोहेक्सेन बेंजीन कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब में ये आपका सॉल्युबल होता है। देख सकते हो बच्चों, ये सारे के सारे नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो पोलर में इनसॉल्युबल होगा और नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब नेचुरल रबर में जो आपका इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है, वो क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेचुरल रबर में जो आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है बच्चों, तो नेचुरल रबर में आप क्या होता है, यहां पर ध्यान से समझना, CH2 यहां पर लिखो डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आइसोप्रीन। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रीन, क्या बोलेंगे, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों, यहां पर इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, इसका इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, बच्चों बताओ कैसे होगा, कैसे करेंगे बच्चों इसका IUPAC नेम, जल्दी से बताओ बच्चों। यहां पर IUPAC नेम इस साइड से करेंगे, RFPD इस साइड से लगाएंगे या इस साइड से लगाएंगे, RFPD हम इस साइड से लगाएंगे, तो इसका नाम आ जाएगा 2-methyl-but-1-3-diene, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब जब मैं इसको पॉलीमराइज कराऊंगा, तो मैंने आपको बोला था सिंगल डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड में। काफी इजी कांसेप्ट है, अगर एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, इसको मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसको मैंने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ये मैंने आगे मूव कर दिया, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन होगा बच्चों, ऑब्वियसली यहां पर हाइड्रोजन होगा, वो आप लोग एज्यूम भी कर सकते हो, ये इसका हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर। अब देखो नेचुरल रबर आपका दो टाइप का होता है बच्चों, नेचुरल रबर आपका कितने टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का, नेचुरल रबर आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका सिस, एक होता है ट्रांस, ठीक है। तो नेचुरल रबर आपके टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रबर। एक्चुअली में बच्चों जो आपका नेचुरल रबर होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का, टू टाइप्स का। फर्स्ट टाइप आपका क्या होता है, सिस आइसोप्रीन पॉलीमर बनता है, ठीक है। और एक का क्या बनता है बच्चों, ट्रांस, एक आपका क्या बनता है, ट्रांस आइसोप्रीन। अब मुद्दे वाली बात ये है कि सिस आइसोप्रीन क्या होगा, अब ध्यान से समझना बच्चों, सिस आइसोप्रीन आपका क्या होगा। देखो इसको मैं आपको, इसका मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर CH3, इसी को मैं बना रहा हूं बच्चों, CH2, ठीक है। इस तरीके से अटैच हुआ सिंगल बॉन्ड, यहां पर आपका, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन, ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में GI, इसके रेस्पेक्ट में आपका क्या शो करेगा, GI। तो यहां पर आपका CH2, अगला जो जुड़ेगा वो CH2 इस साइड, ये वाला जो होगा, अब इसी का रिपीटिंग यूनिट में यहां बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये आपका देखो CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, फिर मैं यहां बना रहा हूं इसी का रिपीटिंग यूनिट। तो देखने पर आपको क्या लग रहा है कि एक ही साइड से आपका रिपीटिंग यूनिट आपका एक ही साइड को फॉलो कर रहा है, जब आपका रिपीटिंग यूनिट एक ही सिंगल साइड को फॉलो कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस आइसोप्रीन। हम इस नेचुरल रबर को सिस पॉली आइसोप्रीन, मतलब सिस टाइप का हो जाएगा बच्चों, ये आपका कौन सा टाइप का हो जाएगा बच्चों, ये आपका सिस टाइप का, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिस पॉली आइसोप्रीन, ये आपका सिस टाइप का हो जाएगा। अब लीनियर, अब इसमें आपसे पूछेगा कि यहां पर आपका एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो यहां पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये आपका लीनियर 1-4 एडिशन से बना है, ठीक है। ये आपका किससे बनाया बच्चों, लीनियर 1-4 एडिशन से बनाया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हो रहा, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टाइप का क्या है बच्चों, एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्लियर है, ये मैंने बता दिया सिस के बारे में। नाउ बच्चों मैं आपको बताता हूँ ट्रांस के बारे में, ठीक है। ट्रांस के बारे में, अब देखो ट्रांस पॉलीमर के बारे में यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रांस पॉलीमर क्या होगा बच्चों,
आप लोगों को आई होप कि आप लोग खुद से एक बार कोशिश करो क्या बनेगा ट्रांस। अब देखो ट्रांस आपका देखो थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूँ, CH3 CH2, ये इस तरीके से जहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आपका H, ठीक है, यहां पर आपका H, यहां पर आपका CH2 ऊपर जाएगा, इस बार H नीचे आएगा, ठीक है। नाउ यहां पर आपका CH2 जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर आपका C, अब यहां पर आपका H ऊपर जाएगा, यहां पर आपका CH2 नीचे जाएगा, यहां पर CH2 इस तरीके से, यहां पर फिर मैं CH2 को रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आपका इस तरीके से CH3, यहां पर आपका CH2 और यहां पर आपका H। अब देखो ये वाले यूनिट, ये और ये आपस में अपोजिट पोजीशन पे, यहां पर भी ये वाले आपके अपोजिट पोजीशन पे, ये वाले भी आपके अपोजिट पोजीशन पे, तो ये वाली यूनिट आपकी रिपीट हो रही है, इसलिए मैं इसके इसके नीचे एन लगा दूंगा। कोई बात नहीं, आपका पॉलीमर बन जाएगा। ट्रांस आइसोमर को हम एक्चुअली में, ट्रांस पॉली आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है बच्चों, क्या होता है, गट्टा पर्चा। और ठीक है, तो गट्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर जैम, गट्टा का मतलब किससे होता है बच्चों, जैम से, और पर्चा का मतलब होता है बच्चों ट्री से। तो एक्चुअली में जो आपको जो मिलता है वो आपको क्या मिलता है, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये नेचुरल रबड़ होता है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज इसमें वीक होती है, वीक होती है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैपेबल टू यूज नेचुरल रबर इन डेली लाइफ, सो वी हैव टू सिंथेसाइज दिस नेचुरल रबर इन लेबोरेटरी। सो अब मैं इसको क्या करूंगा, लेबोरेटरी में इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको इंक्रीज करूंगा। मैंने आपको बताया था ना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में जो आपका पॉलीमर मिलेगा उसके उसको अगर मैं सिंथेसाइज करके जो जो ऑप्टेन करूंगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में एनहांस करूंगा तो वो आपका सेमी सिंथेटिक होगा। तो यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वल्कनाइज, वल्कनाइज रबड़ भी बोलते हैं इसको, या फिर ये आपका किसका पार्ट है, सेमी सिंथेटिक रबर का, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसके प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो आपको यहां पर सिस पॉली आइसोप्रीन मिला, सिस पॉली आइसोप्रीन मिला, पॉली आइसोप्रीन, मैं सिंपल लिखता हूँ पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि सिस और ट्रांस दोनों हो सकता है, पॉली आइसोप्रीन को अगर मैंने SF6 में डिजोल्व कर दिया, तो SF6 में डिजोल्व कर लेते हैं, कई कई बुकों में लिखा है K2S2O8 और कई बुकों में लिखा है S4, तो ये तीनों मिल सकता है, तीनों में डिजोल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, CH2C CH3, या CH3C डबल बॉन्ड, यहां पर CH2, ठीक है, यहां पर मैंने CH2C CH3 डबल बॉन्ड CCH2, यहां पर भी मैं सिमिलर बना देता हूँ, CH2C CH3 डबल बॉन्ड CCH2CH2C CH3 नीचे बनाता हूँ। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि जैसे ही सल्फर में इसको मैंने डिसोल्व किया, हीट किया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका क्या बना देगा, सल्फाइड लिंकेज क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा बच्चों, सल्फाइड लिंकेज को क्रिएट कर देगा। अब यहां पर ये आपके सल्फाइड लिंकेज को एक ने डायगोनल लिंकेज को क्रिएट कर देगा। अब डायगोनल लिंकेज को जब ये आपका क्रिएट करेगा, ये यहां से भी हो सकता है यहां से भी, तो यहां पर आपका एक डायगोनल लिंकेज जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक बॉन्ड बना देगा, और क्रॉस लिंक बॉन्ड बनाने की वजह से यहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, 3D ज्योमेट्री हो जाएगी। अब यहां पर आपके 3D ज्योमेट्री होने की वजह से आप लोग जानते हो क्रॉस लिंक पॉलीमर आपके क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स आपका ऐड कर देगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा फोर्स आपके एडिटिव नेचर के हो जाएंगे, जो यहां पर आपका एक्स्ट्रा फोर्स जो ऐड होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये इसकी आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी, और हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नाउ
नाउ इट इज प्रिपेयर्ड फॉर यूज्ड इन डेली लाइफ, यूज्ड इन डेली लाइफ। अब ये आपके डेली लाइफ में यूज करने लायक बन चुका है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। और ये आपका किस टाइप का होता है, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वल्कनाइजेशन क्या होता है। वल्कनाइजेशन फिनोमिना यही होता है कि अगर मैं नेचुरल रबड़ के केमिकल प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए SF6 या K2S2O8 में या फिर S4 में अगर मैं डिजोल्व कर दूं, तो यहाँ पर डायगोनली एक बॉन्ड क्रिएट होगा। जो डायगोनली आपका बॉन्ड क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसलिंक, और क्रॉसलिंक की वजह से आपका 3D ज्योमेट्री बनेगा, इससे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इन सब में इंक्रीमेंट होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, वल्क। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, वल्कनाइजेशन। और ये आपका क्या हो जाएगा, वल्कनाइज्ड और रबर। अब कुछ रबर आपके, ये तो आपका सेमी सिंथेटिक टाइप का था, अब कुछ रबर आपके सिंथेटिक टाइप के भी होते हैं जो आपके लैब में प्रिपेयर होते हैं, मैन मेड सिंथेटिक रबर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड रबर, इसको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड रबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों सिंथेटिक रबर में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया वल्कनाइजेशन, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों इसका नियोप्रीन, नियोप्रीन। अब देखो नियोप्रीन क्या होता है बच्चों, नियोप्रीन का मोनोमर आपका क्या होगा। अब यहां पर मिथाइल ग्रुप को हटा के क्लोरीन लगा दो, मिथाइल ग्रुप को हटा के क्या लगा दो बच्चों, क्लोरीन लगा दो। मिथाइल ग्रुप को हटा के अगर आप लोग क्लोरीन लगा दोगे तो यहां पर आपका बन जाएगा ये आपका क्लोरोप्रीन। अब इसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो क्या होगा बच्चों, क्लोरोप्रीन। इसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोप्रीन। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जैसा डबल बॉन्ड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। क्लोरीन वैसा का वैसा रहेगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नियोप्रीन। ये भी आपका एक टाइप का रबड़ है, सिंथेटिक रबड़, जो कि हमने किस कहाँ पर प्रिपेयर किया बच्चों, लैब में, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैं एक एक्स्ट्रा एडिटिव पार्ट लिखाता हूँ बच्चों इसमें, कि अगर मैंने यहां पर, ध्यान से समझना, क्लोरोप्रीन को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे देख लेते हैं। क्लोरोप्रीन को प्रिपेयर करने का एक तरीका जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया हुआ है, और यहां पर भी अगर आप देख लोगे तो आपको काफी हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, अगर मैं एसीटिलीन की रिएक्शन, इसकी एसीटिलीन 2 मोल की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊंगा, CuCl2 और NH4Cl के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैं अब HCl के साथ कराऊंगा, किसके साथ, HCl के साथ, इसकी रिएक्शन अगर मैं आप किसके साथ कराऊंगा, HCl के साथ, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH। इसी तरीके से कर सकते हैं प्रिपेयर बच्चों, इसमें कोई आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है HCl के साथ रिएक्शन कराया तो इस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोसीड आपका हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ये मैंने क्लोरोप्रीन का प्रिपरेशन बता दिया बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आज तक नहीं पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि मोनोमर आपका क्या होगा, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम सबसे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा ब्यूना एस। अब देखो ब्यूना एस में जो आपका ब्यूना वर्ड है वो आपको किसको शो करता है, ब्यूना आपको शो करता है ब्यूटा 1,3-diene, और आपका एस किसको शो करता है, स्टायरीन यूनिट। अब ध्यान से समझना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीमर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट, होमोपोलीमर, एंड नाउ दिस इज एग्जाम्पल विल बी वॉट।
को पॉलीमर, ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, को पॉलीमर का, ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, को पॉलीमर का। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर को पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड, CH CH डबल बॉन्ड, CH2, ये मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन बना दिया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने स्टायरीन के साथ कराया, बच्चों मैंने आज सुबह ही बताया लास्ट लेक्चर में, ये मैंने स्टायरीन के साथ कराया, अब क्या होगा, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। दिस इज अ व्हाट, एडिशन पॉलीमराइजेशन, दिस इज अ व्हाट, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में, एंड जो बीच वाला जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो कर दो, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH, यहां पर आपका डबल बॉन्ड, यहां पर आपका CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH2, अभी आपका इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, आपका इस तरीके से पॉलीमर बना देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूनाइस। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ब्यूनाइस। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ब्यूनाइस। अब ध्यान रखना, ये आपका टायर, टायर में यूज होता है, कहीं 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 इंडस्ट्री में आपका ये काफी यूज होता है टायर में, और इसका यूज आपका कार्बन ब्लैक, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि टायर में होगा, टॉयज में भी होता है, इन सब में इसका यूज होता है बच्चों, तो ये काफी इजी है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल चलते हैं बच्चों, ब्यूना एन। तो ब्यूना एन क्या होगा बच्चों, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, ब्यूना एन आपको खुद से करना है, खुद से कर लोगे बच्चों, ब्यूना एन एक बार आप लोग इन्हें ट्राई करना, ब्यूना एन मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्यूटा 1,3-डाइईन, इसके मोनोमर ध्यान रखना, एन आपका होगा एक्राइलो नाइट्राइल, अक्राइलो नाइट्राइल, मतलब अक्राइलो नाइट्राइल का मतलब ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CN। अब आपको इसको इसको आप लोगों को खुद खुद से एक बार करना है कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, एक बार आप लोग खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या आपका यहाँ पर ब्यूना एन बन जाएगा। तो दिस इज अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर रबर, ठीक है। आज हमने यहाँ पर रबर कैसे फॉर्म हुआ ये सब के बारे में पढ़ लिया, दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर, आपको यहाँ पर रबर के एग्जाम्पल है, तो आपको इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।